नाश्ता कर लो, फिर जल्दी जल्दी तैयार भी होना है। क्यों है दर्द, क्या बात है, आज इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है आपने? जैनब के पापा, आपको याद नहीं है क्या कि आज क्या है? क्यों बेगम, आज कोई खास दिन है क्या? जी जी, आज खास दिन ही है, बल्कि ये बात आप बच्चों से ही पूछिए कि आज क्या है। क्यों जैनब बेटा, क्या बात है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि आज क्या है? पापा जी, आज मेरा और मोहम्मद भाई का रिजल्ट डे है। ओ अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम स्कूल चलते हैं। मामा जी, रिजल्ट? पर मेरा तो रिजल्ट नहीं है ना, आपने मुझे क्यों सुबह सुबह तैयार कर दिया, इतने मजे से सो रही थी मैं। बेटा जी, आप तो अभी भी स्कूल दाखिल हुई है, इसीलिए आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जी पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो छोटी है ना, अभी इसको रिजल्ट की क्या फिक्र? फिक्र ना करो बच्चों, तुम दोनों इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊंगी, देखना पूरे 100% मार्क्स होंगे मेरे। इंशाल्लाह जरूर, आपने मेहनत भी तो खूब की थी। भाई, ये क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें तुम अपना काम दो। बस फिर क्या था, सब लोगों ने नाश्ता किया और फिर घर से स्कूल के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोग स्कूल में एंटर हुए तो स्कूल में जश्न का समा था। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ रिजल्ट लेने आए हुए थे। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जैनब। शाबाश जैनब बेटा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका, फर्स्ट टाइम है आप। शुक्रिया मैम। जैनब अपना रिजल्ट लेके क्लास से बाहर आई और दूसरी तरफ मोहम्मद भी अपना रिजल्ट ले आया। वो दोनों अरशद साहब और उनकी बेगम के पास आए, जो वेटिंग एरिया में उनका इंतजार कर रहे थे। लो पापा जी, आ गए ये लोग। मोहम्मद ने आते ही नाचना शुरू कर दिया। जैनब ने रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ जैनब, क्यों रो रही हो? बताएं तो सही, हुआ क्या है, आप क्यों रो रही हो, कहीं आप फेल तो नहीं हो गई? नहीं पापा जी। फिर क्या बात है जैनब बेटा? पापा जी, मेरे 99% मार्क्स आए हैं। बेटा जी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मामा जी, मेरे पूरे 100% मार्क्स आने थे। बेटा जी, क्या आपसे ज्यादा किसी और के नंबर आए हैं? नहीं पापा जी। तो फिर बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? जी बेटा जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आपके नंबर आए हैं। मम्मा जी, ज्यादा नंबर लेने वाला तो फर्स्ट आते हैं ना? जी दुआ आपकी, आप ही भी फर्स्ट आई है। अब सबकी नजर मोहम्मद पर थी, जो उस वक्त से नाचता ही जा रहा था। भाई, अब तो आप बता दो कि क्यों नाच
मैंने पूरे एक परसेंट नंबर आया। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। ये हुई ना बात। शुक्र है भाई, आप पास हो गए। आप ही की तरह फर्स्ट नहीं आए, नहीं तो आपने भी रोना शुरू कर देना था। सब लोग बहुत खुश थे और खुशी खुशी घर को चल दिए। सब लोग घर वापस आ तो गए, लेकिन जैनब का मूड अभी भी ऑफ था। वो एक कोने में जाके चुप करके बैठ गई। आप भी अभी कहाँ हो? क्या है दुआ? आओ अभी, हम खेलें। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना, जाओ। इतने में अर्शद साहब की बेगम भी इन दोनों के पास आई। क्या हुआ बच्चों? माजी, देखे ना, आप ही मेरे साथ खेल नहीं रही है। हाँ तो नहीं खेलना, मैंने कहा तो है जाओ यहाँ से। इतने में अर्शद साहब हाथ में एक शॉपिंग बैग लिए घर में एंटर हुए। क्या हो गया जैनब बेटा, बस भी कर गया? पापा जी, आप ही ने मुझे डांटा है। बुरी बात है जैनब बेटा, तो आपकी छोटी बहन है, ऐसे नहीं कहते। सॉरी पापा जी, अब नहीं कहूंगी। देखिए जैनब के पापा, जैनब अभी तक दुखी बैठी है। जैनब बस भी कर दे अब। जैनब बेटा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप 99% नंबरों के साथ अपनी क्लास में फर्स्ट आई हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बेगम, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जैनब के पापा। देखिए जैनब बेटा, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। तीनों के पसंद की चॉकलेट, बिस्किट्स और जूस लेके आया हूँ। माँ जी, माँ, ये किस खुशी में पापा जी? दुआ बेटा, आपके बहन भाई पास जो हुए हैं। और मेरी जैनब बेटी फर्स्ट जो आई है। माँ जी, माँ, फिर तो मुझे हो गई। हाँ मेरे प्यारे बेटे जैनब, आज आपकी मर्जी का खाना भी बनेगा, बताओ क्या बनाऊं? खुदा का वास्ते मम्मा जी, आलू ना पका लेना। चुप रहो दुआ, मम्मा जी ने मुझसे पूछा है। मम्मा जी मैं तो बिरयानी खाऊंगी। हाँ जी माँ, बड़ी खिदमतें हो रही है आपकी जी की। दुआ, आपकी आप्पी ने मेहनत जो की थी इतनी और इतना अच्छा रिजल्ट भी आया, इसी खुशी में। या अल्लाह, मेरा भी जल्दी से रिजल्ट आ जाए। क्यों दुआ, इतनी भी क्या जल्दी है,